नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान ने बढ़ा दी अखिलेश यादव बीजेपी की टेंशन। यूपी विधानसभा चुनाव में करेंगे खेला। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब हमारी पार्टी आगामी प्रदेश भर में खुद अपने दम पर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सभी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। अब दावा किया जा रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारियों में लग गई हैं। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक नया खिलाड़ी भी उतर आया है। इनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान नगीना लोकसभा सीट से जीतकर पार्टी में नई ऊर्जा डाल दी है। इस बीच 13 जून को अयोध्या पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर से 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव अपने बदौलत लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सबको चौंका दिया है। अगर यूपी की नगीना लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट काफ़ी दिलचस्प मानी जाती है। नगीना सीट को किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं माना जाता। साथ ही इस सीट की एक खासियत और है, यहाँ से दोबारा कोई सांसद नहीं बनता है। नगीना सीट की लड़ाई को आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दिलचस्प बना दिया था। दरअसल चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद से ही इस सीट पर डेरा डाल दिया था। 1.5 साल के बाद उम्मीद थी कि सपा और रालोद कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से उन्हें दावेदारी के लिए सीट मिल जाएगी, मगर चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। वहीं सपा ने नगीना से अपना कैंडिडेट उतार दिया। नगीना से सपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ये बात तो साफ हो गई है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच दावेदारी को लेकर कोई सीधी बात नहीं हुई। कहा गया कि चंद्रशेखर ने सपा से समर्थन नहीं मांगा था, इसलिए अखिलेश ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, BH News Network।